सो गाइज यहाँ पे हमने केक वगैरह कट कर लिए हैं, और क्योंकि इनका बर्थडे भी था और 1K सब्सक्राइब का भी था, तो और गिवअवे का जो मैंने बोला है ना उसको जरूर ध्यान में रखना। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अमेजिंग कॉर्न ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यार आज का ब्लॉग ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्योंकि एक तो मेरा 1K हो गया है यूट्यूब पे, तो आज है हस्बैंड का बर्थडे, और आज ना मैं इनको सरप्राइज करने वाली हूँ। क्योंकि ना तुम्हें पता ही होगा, जो उनको जानते होंगे वो तो बिल्कुल सिंपल इंसान है, मतलब जैसी मैं हूँ ना मेरी पूरी अपोजिट है। तो मैं थोड़ा मतलब वैसी फंकी टाइप, थोड़ा फैशन जैसी चीज़ों में मतलब अच्छा लगता है, तो वो है बिल्कुल शांत स्वभाव के एकदम सिंपल रहने वाले इंसान। तो आज उनका बर्थडे है तो मैं उनको ना थोड़ा सरप्राइज करना चाहती हूँ। आज उन्होंने कभी बर्थडे नहीं मनाया, तो मैं चाह रही हूँ कि आज उनको थोड़ा बर्थडे वो करूँ, सरप्राइज करने वाली हूँ बर्थडे। क्योंकि उनको ऐसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो मेरे लिए क्या मतलब ऐसे करने वाली है, तो मैं ना उनको आज सरप्राइज कर रही हूँ। और मैं ना डेकोरेट कर रही हूँ, अभी मैंने पानीदार ऐसा फैला रखा है, तो उनके आने तक उनको देखती हूँ उनका रिएक्शन कैसा रहता है, और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो अभी मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ, पर वो कभी मनाते भी नहीं है बर्थडे वैसे ना, तो आज देखते हैं उनका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, करूँगी मैं सारे बर्थडे वर्थडे की तैयारी अभी कर रही हूँ। अभी मेरे पास बहुत काम है यार, अभी तो बहुत काम करना है, केक कभी नहीं दिया मैंने, तो मैं देखती हूँ उनका रिएक्शन कैसा होता है, और आप लोग भी देखना। ठीक है गाइस, अभी इतना सा डेकोरेशन कर रखा मैंने, और मेरे पास ये थी ना पहले से, तो मैंने कहा थोड़ी बहुत लगा देती हूँ, ज़्यादा नहीं करा है। अभी थोड़ा इसमें लाइटिंग वगैरह लगाऊँगी, थोड़ा मैंने यहाँ पर ये लगाया, और ये यार बेड शीट भी वाइट हो गए, नीचे भी वाइट हो गए यार। बेड शीट ना दूसरी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने यही बिछा दिया। कलर वाली बेड शीट होती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। सो गाइज, अभी मैं रेडी वगैरह हो गई हूँ, और मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, और मार्केट जा रही हूँ मैं थोड़ा केक वगैरह लेने के लिए, केक तो चाहिए ही। और आज इनके रिएक्शन आप ज़रूर चेक करना, मतलब कैसे रिएक्शन रहते हैं इनके ना, आज तक इन्होंने कभी भी बर्थडे नहीं मनाया, तो आज मैं चाह रही हूँ कि मतलब इनका जो रिएक्शन रहता है ना कैसा रिएक्शन रहता है। तो अभी उनको तो ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैंने ऐसे कुछ करा होगा, तो मेरे भी माइंड में आया, और मैंने ये सोचा चलो आज इनको थोड़ा सरप्राइज़ करते हैं, और आप रिएक्शन ज़रूर चेक करना कैसे रिएक्शन रहता है। ठीक है, रहते सिंपल ही, कुछ भी रिएक्शन नहीं करेंगे, देखती हूँ क्या करता है। ठीक है, तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, तो फिर मिलती हूँ वहाँ से आने के बाद, थोड़ा केक वेक ले कर आती हूँ, तो फिर शाम को फिर मन नहीं करता है ना, तो अभी मैंने बोला भी नहीं, वहाँ पर तो ऐसा है ना कि उसी टाइम बन जाता है, तो चलते हैं फिर, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको। सो गाइज, यहाँ पे आ गई हूँ मैं केक लेने के लिए। सब्सक्राइब कर रखना। अच्छा अच्छा, थैंक यू। सो गाइज, हमारा केक भी बन गया है, अभी बनाया, बहुत ही अच्छा है यार, यहाँ पे ना मतलब तुरंत बन जाता है। ये वेलवेट वाला केक है और बहुत ही सुंदर लग रहा, पर यार उन्होंने बोला कि अगर आप पहले बोलते ना तो मैं और भी अच्छा बना लेता, तो सो गाइज अभी हम घर आ गए हैं, और हेलमेट कैसा लग रहा है बताना कमेंट्स में, और अमृतसर से मैंने क्या क्या लिया है अगर इसकी वीडियो बनानी है तो कमेंट्स में बताना। गाइज पहले इनको फ़ोन कर लेती हूँ मैं कि कहाँ पे आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, मेरे को पता तो चले ना, एक बार फ़ोन लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगा रही हूँ मैं कैमरा, और क्योंकि आने वाले हैं ना, इन्होंने कहा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, फिर देखती हूँ इनका रिएक्शन। ठीक है, तब तक मैं छत में जा रही हूँ, थोड़ा देख के आती हूँ। मैंने कैमरा ना ऑन ही कर रखा है। तो गाइज अभी देखना, हाँ कुछ भी रिएक्शन नहीं रहेगा, जहाँ तक मुझे पता है ना, सिंपल से रहेंगे, कुछ भी रिएक्शन नहीं रहेगा, आने वाले हैं, वेट करना। ठीक है, और अभी मैं भी देख रही हूँ, मतलब अभी आने ही वाले हैं, क्योंकि 4 बज के 3:30 पे छुट्टी होती है, तो आते आते मतलब ऊपर से नीचे आते टाइम आधा घंटा लगता है, तो टाइम हो ही गया, 4 बज गया। हवा नहीं, नहीं मैंने सोचा आगे हवा हो रही थी तो आगे। ठीक है, रिएक्शन देखना। अरे वाह, रिएक्शन नहीं,
आए और देखा और इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। सो गाइज अभी शाम हो गई है और बर्थडे की भी तैयारी हो रही है, पर आज मुझे बोल रहे यार कि तूने ऐसे क्या सजाया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कुछ एनिवर्सरी वगैरह होता है ना, तो उस टाइप से सजाया है। डेकोरेशन करने का इतना बड़ा शौक है ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे हर चीज़ मतलब डेकोरेट करना, मतलब खुद अच्छा फील होना चाहिए है ना। तो फिर मुझे ना ये मैंने ऐसे डेकोरेट करा हुआ था और इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा मीन्स कि मतलब बोल रहे थे ना कि यार मुझे ना शर्म आ रही है, सिंपल इंसान मतलब सिंपल रहने वाले इंसान। तो आज 1K का भी केक काटेंगे और इनका बर्थडे का भी केक काटेंगे, तो दो सेलिब्रेशन एक साथ करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू यार आप लोगों का, जितने लोगों ने भी सपोर्ट करा, सब्सक्राइबर करा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे सभी को तहे दिल से शुक्रिया। जो ये वाली वीडियो है ना, तो इस वीडियो पे जिसका भी मतलब कमेंट्स, मैंने बोला था ना कि जब मेरा 1K हो जाएगा तो जिसका भी कमेंट्स मुझे सबसे अच्छा लगेगा तो मैं उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर करूँगी। तो मैंने पहले बोला था जब मेरा 1K नहीं हुआ था, तो उस टाइम मैंने बोला था कि जब मेरा 1K हो जाएगा तो मैं उसको किसी ना किसी मतलब जिसका भी कमेंट्स मुझे सबसे अच्छा लगेगा तो मैं उसको ना कुछ गिवे ज़रूर करूँगी। तो अभी टाइम भी हो गया है, 8 बज गया है, टाइम आजकल ऐसे हो रहा ना 8:30 हो गया टाइम भी, और अभी कुछ भी नहीं करा यार तैयारी वगैरह। फिर मैंने ऐसे शर्ट वगैरह पहनी, ठंडा भी लग रहा है पर फिर भी मैंने पहना है, मैंने कहा चलो यार थोड़ा ना अच्छा लगता है, फिर थोड़ा मतलब पार्टी का लुक आना चाहिए ना। तो अभी खाना वाना तो पहले बाद में करेंगे, पहले केक वेक कट करेंगे, तो फिर उसके बाद अभी ये तैयार हो रहे हैं। तैयार मीन्स कि इनको मैंने कहा शर्ट पहनो, कह रहे नहीं नहीं मैं ऐसा ठीक हूँ मैं। तो अभी मैं इनको ज़बरदस्ती शर्ट पहना रही हूँ, मैंने कहा पहनो 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 तब जाके पहना। और इधर तो ऐसे कर रखा था मैंने, मैं लाइट बंद करके दिखाती हूँ, मैंने ऐसे डेकोरेट करा था यार, पर फिर भी इनको पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करूँ बताओ आप। तो गाइज यहाँ पे हमारा केक आ गया है 1K का, और आज इनका बर्थडे है, तो इनका बर्थडे का भी और 1K का भी, और 1K का भी सेलिब्रेशन है तो बर्थडे का भी है, तो आप भी करेंगे केक कटिंग। हाँ अच्छा, 1K सब्सक्राइबर्स, अरे वाह करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे खिलाना सबसे पहले क्रीम वाला, क्रीम नहीं आ रहा, वो ऊपर वाला काट। मुझे भी खिला, पापा को भी तो खिला, मुझे भी खिला, लो अरे मुझे तो गाइज यहाँ पे हमने केक वगैरह कट कर लिए हैं, और क्योंकि इनका बर्थडे भी था और 1K सब्सक्राइब का भी था, तो केक अरे क्या हो गया कि मैं गई थी गुन्नू को लेने, और मैं केक भी ले गई थी क्योंकि मैं दिन में ला गई थी, ये ना थोड़ा तिरछा हो गया। तो कांग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन। सो गाइज सबसे पहले आप सभी लोगों को 1K के लिए केक, और क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मतलब मेरा 1K मतलब 1K हुए हैं। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो 1K फिर 2K फिर 3K ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना और मेरे को सपोर्ट करना यार, 1 साल से ज़्यादा हो गया काम करते करते ना, तो जो वीडियो बनाता होगा तो उसको तो पता ही होगा कितनी मेहनत लगती है और होता है एडिट करना, वीडियो बनाना, मतलब जो नहीं बनाता उनको तो इजी लगता है पर जो बनाता है ना उसको पता होगा कितनी मेहनत लगती है ना। तो बस यार सबसे पहले आप लोगों को खिला देती हूँ, और आप लोगों की वजह से ये मेरा 1K हुए हैं, तो सबसे पहले 1K के लिए आप लोग केक खा लो। सो गाइस बर्थडे वगैरह भी हो गया, सेलिब्रेशन वगैरह हो गया, अभी खाना खुना कुछ नहीं बना हमारा। सो गाइज थोड़ी बहुत करा हमने और
सेलिब्रेशन वगैरह हमारा ख़त्म हो गया है, तो इस वीडियो को भी यही एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और गिववे का जो मैंने बोला है ना उसको ज़रूर ध्यान में रखना, कमेंट्स करना प्यारा सा, और गिववे का वेट करना। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।